नेक्स्ट टाइम बेटा आपको इंडिया में लेके चलेंगे इन टाइम, ठीक है? 3 महीने का वीजा मिलता है जब आप इंडिया से यहाँ पे आते हो, तो वो आपको एक्सटेंड कराना। और जो मेन था, जैसे इंडिया से कोई वीजा अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट वगैरह लगा रहा है, तो उसमें मेन क्या चीज पूछते हैं ना? बस भावना बहुत हो गया, कपड़े भी गंदे हो गए बेटा, तो सारा देखिए आज कोई नहीं बेटा, आज नहीं लिए, ठीक है? लवी देव की आज पहली होली है, कैसा लग रहा है फिर इंडिया से यहाँ आते का होली का सेलिब्रेशन? इंडिया के मुकाबले आयरलैंड में फर्स्ट होली आयरलैंड की, और ऊपर तो धूप भी निकली हुई है आज ना। लव भाई ऊपर से देव का भी कॉलेज हो गया शुरू, और कितने दिन हो गए? 4-1 हफ्ता हो गया कॉलेज जाते जाते है ना, दूसरा हफ्ता चल रहा है भाई ना। सारे जैसे एक एड्रेस प्रूफ मेन चाहिए होता है यहाँ पे आयरलैंड में, जब अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट आ रहे हो तो एड्रेस प्रूफ कैसे मिलेगा? वो कॉलेज में ही आपको पता लग जाएगा, कॉलेज में पता लग जाएगा। जो भी आप लेटर दोगे ना कॉलेज में जाके बताओगे कि ये मेरा एड्रेस फलाने एड्रेस पे मैं रह रहा हूँ, तो वो आपका पीपीएस नंबर भी, बैंक अकाउंट्स भी, और क्या था बस का जो लीप कार्ड, वो बनवा लेना भाई ना, वो बहुत जरूरी है। उसमें आपका ना कम एक्सपेंसिव होता है, अगर आपके 3 यूरो 50 सेंट 3.50 लगेंगे ना बस में, तो अब लगते रहे 2 यूरो 70 सेंट के करीब, क्योंकि आपकी एक साइड की जर्नी पे 70 सेंट 80 सेंट आपके सेव हो जाते हैं लीप कार्ड के बनाने के बाद। सेकंड है कि भाई जो पीपीएस वगैरह बनता है उसमें टाइम लग रहा है आज के टाइम में बनने में। देव को हमने अप्लाई कर दिया तो भाई 2 वीक हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई 2 से 3 वीक और मिनिमम इतना तो टाइम लगेगा ही, तो इन बिटवीन आप काम भी नहीं कर पाओगे आयरलैंड में। दूसरा है अगर काम नहीं करोगे भाई खर्चा करना पड़ेगा भाई, अकोमोडेशन रेंट और बिजली के भाई बहुत सारे एक्सपेंसिज है आयरलैंड में, और जॉब देखना खासकर बिना पीपीएस के ये बड़ी मुसीबत है। लेकिन भाई की भाई जॉब लग गया देव की, और कंग्रेचुलेशन है भाई, पूरे यूरो यार कमा रहे हैं अब तो ना, रुपीज में नहीं यूरो में कमा रहे हैं। तो अभी है कि भाई जॉब कैसे लगेगी, आपके पास पीपीएस नंबर होना जरूरी है, तो जॉब के लिए वही मांगते हैं आपसे, तो आपकी रेफरेंस है तब आपकी जॉब इजीली लग जाती है। भाई होली का टाइम पूरा सेलिब्रेशन कर रहा है, नेक्स्ट टाइम बेटा आपको इंडिया में लेके चलेंगे इन टाइम, ठीक है? और हाँ नेक्स्ट चीज जो होती है ना, यहाँ पे आपको आपको इमिग्रेशन का एक्सटेंड करना पड़ता है। आपको कितने महीने का वीजा मिलता है शुरू में आया था? शुरू में 3 महीने का, 3 महीने का वीजा मिलता है जब आप इंडिया से यहाँ पे आते हो, तो वो आपको एक्सटेंड कराना है, वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। उसके लिए क्या कंडीशंस बोल लिया कॉलेज ने? अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो उसके बाद वो मेरे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, लाइक पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया। तो कॉलेज का भी कुछ चेक करेंगे? कॉलेज का तो सिर्फ आईडी चेक करेंगे, आईडी चेक करेंगे या तो कॉलेज जा रहा है, और पीपीएस नंबर वगैरह भी कुछ चेक करेंगे? कुछ और नहीं, बस कॉलेज की जो आईडी या फिर अटेंडेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो वो है कि भाई 3 महीने का वीजा आपका इजिली बढ़ जाता है, अगर आप इंडिया से फीस पे करके आ रहे हो यहाँ पे कॉलेज जा रहे हो, तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। क्या क्या आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो कैसे मिलेगी? वो आपको एक टोल फ्री नंबर होता है जो, तो मैं अगर मिला मेरे को वहीं पे मैं लिख दूंगा कहीं पे टेक्स्ट में, तो अदरवाइज भाई गूगल पे भी आप टेक्स्ट सर्च कर सकते हो, तो उस पर आप कॉल करके वो आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। और जो फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो भाई, क्लोथिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है कम्पेयर टू, सोचा था यहाँ पे आगे सब कुछ मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक का ना? 1-2 वीक हो गया जब भी ना, मतलब मिल तो सब कुछ जाता है वही, अब शुरू में बंदा आगे अब वो इतना पैसे नहीं होते, इतनी जॉब नहीं लगती। दूसरा है कि अपना चार्जर वगैरह जरूर साथ में लेकर आए, और पावर बैंक जरूर ले गए अपने साथ, पावर बैंक की जरूरत पड़ रही है भाई। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, मिल जाएगा 20 यूरो के करीब का मिलेगा, जो कि इंडिया के बन जाएगा भाई 1600 यूरो 1600 से 1500 रुपीज, तो इंडिया से बेटर होती है, हर एक जगह होती है। यूएस भी चल जाती है? यूएस भी चल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ हमें नहीं मिलती, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। एक कंडी रखी हुई है रायन की, आज तीसरी होली है ना भावना, तीसरी या दूसरी? और जो मेन था, जैसे इंडिया से कोई वीजा अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट वगैरह लगा रहा है, तो उसमें मेन क्या चीज पूछते हैं ना? मेन तो जो आयरलैंड का वीजा है वो फंड्स के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, इनकी फंड सही होने चाहिए आपके पास जो बैंक में, कई बार जो स्टडी लोन भी लेते हैं बच्चे, या फिर 6 मंथ्स ओल्ड पुराने डिमांड करते हैं आयरलैंड एम्बेसी जो है ना, वो डिपेंड करता है आपकी फीस के ऊपर, लाइक 1 ईयर ऑफ लिविंग एक्सपेंस। तो भाई जो आयरलैंड का जो मेन है ना आपके जो बैंक अकाउंट में इंडिया में, वो आपको मेन देखता है कि भाई इसके पास पैसे पूसे है, ठीक है नहीं है, जैसे बैकग्राउंड आपके चेक करते हैं, 6 मंथ पुराने आपके पास फंड हो वो जो मेन चेक करता है वीजे के लिए। और अपॉइंटमेंट भी, जैसे तेरे पास कोई कॉल भी आई थी इमिग्रेशन के लिए? मेरे पास एम्बेसी की कॉल आई थी एंड टाइम पे, जब मेरी फाइल खोली होगी, तो मेरे से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी कि यहाँ पे कौन सा है तेरा। लो लाइन का रखी, पापा कलर लगवा लो। हाँ बस बेटा पापा ना आएंगे थोड़ी देर में ना। तो अच्छा कॉल आई तो हिंदी में बात करी थी ना, इंग्लिश में बात करी थी, क्योंकि आईलेट्स में कितने थे जैसे इंडिया में? आईलेट्स में मेरे 6.5 थे। फंड्स के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि अभी कितना फंड है, कैसे अरेंज किया है, किसने अरेंज किया है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा मेन ही है कि फंड्स जो है आयरलैंड के लिए ना, आयरलैंड और यूके के लिए। मोस्टली आप आयरलैंड की एम्बेसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, तो उसमें मोस्टली वीजा जो रिफ्यूजल होते हैं ना, तो वो सारे फंड्स के रिगार्डिंग होते हैं।
तो मेन ये है कि भाई जो अपना वीजा लगवा रहे हो आयरलैंड का है कि भाई फंड्स अपने जरूर चेक करने हैं कि फंड्स में कोई कमी ना हो, सिक्स मंथ पुराने फंड्स हो, ठीक ठाक फंड्स दिखा दो, यानी कि अपने जो बैंक में दिखाते हो ना, तो उनका जो आपके पास प्रूफ हो गया ये पैसा किसका है, कहां से आया हुआ है। अभी अपना मेन चीज क्या लेके आया बंदा ना, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया था आते ही ना, क्योंकि वेदर एक वो था इंडिया में थोड़ा वार्म था, यहां थोड़ा कोल्ड, थोड़ी जो लिटिल बिट मेडिसिन है ना वो लेके आए होना ना, वो जरूरी होती है। उसके बाद लगा लो कि अपना चार्जर बोल दिया, पावर बैंक बोल दिया, और किस चीज की जैसे ब्लैंकेट वगैरह सारा कुछ वही यहीं पे मिल जाता है। अगर किसी के पास लैपटॉप फ्री पड़ा हो तो वो जरूर लेके आए, क्योंकि असाइनमेंट्स में जरूरत पड़ती है चीजें। अच्छा, असाइनमेंट पे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में होते हैं अगर मतलब किसी की लाइब्रेरी में है। वैसे मैंने वीडियो बनाई थी भाई, उसमें लाइब्रेरी में दिखे हुए थे, हमने जो कॉलेज का टूर करा था तो उसमें सब कुछ लगा हुआ था, यूज कर सकते हैं वहाँ कॉलेज वाले। बट है कि आपको कॉलेज में बैठना पड़ेगा, अपना टाइम जो है कि कॉलेज में स्पेंड करना पड़ेगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो घर पे ले भाई ना, आप थोड़ी देर में रोगा भी हो, अभी तो खुश हो रहा। और दूसरा कि भाई यहाँ पे आके बैंक अकाउंट के लिए जो मांगते हैं वो था कि भाई एड्रेस प्रूफ ना। दोबारा से लड़ाई बची, अब रोना शुरू करना है ना, चल भावना ने ला दे, बस बहुत खेल लिए, इतनी होली तो इंडिया में भी नहीं खेलते हैं। और जो मेन है बैंक, कौन सा बैंक में अपने अकाउंट खुलवाया और कौन सा सही है, जैसे बैंक ना, जैसे आपको भी पता है इस चीज के बारे में और मेरे को भी काफी बंदों ने बताया, AIB बैंक आयरलैंड के अंदर अच्छा बैंक है, बढ़िया है, जिसकी ऑनलाइन भी हर एक चीज ऐप वगैरह ना भाई, उसकी ऑनलाइन ही है। AIB बैंक है यहाँ पे, जो कॉलेज ने रेकमेंड करा था दूसरा बैंक था, कॉलेज आपको बोलता है बैंक ऑफ आयरलैंड दूसरे में खुला लो, उसमें क्या होता है उनके जो कमीशन वगैरह होता होना, तो लेकिन जो AIB बैंक उनकी ऑनलाइन ऐप वगैरह भी है। तो अभी उनका लगा लो भी 2 वीक हो हैं, तो 2 वीक बाद इनका कार्ड आ गया अपना, पहले दिन ही भाई हमने अप्लाई कर दिया था, जैसे हम कॉलेज में गए वहाँ पे एड्रेस प्रूफ मिल जाता है, वो एड्रेस प्रूफ ही कॉलेज का भाई सारी जगह पे आपका चलेगा, वो इजी हो जाता है। PPS नंबर होता है ना, वो भी आपका कॉलेज का जो एड्रेस प्रूफ चलता है उसी से ही बनता है। तो PPS कैसे बनेगा, वो भी mygov.ie करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने साइन अप कर लेना, साइन इन करके अपनी सारी डिटेल वैसे ही कॉलेज का लेटर लगा देना एड्रेस प्रूफ के तौर पर, क्यों आपको PPS नंबर चाहिए, 2-3 क्वेश्चन होंगे वो ईजिली बन जाएगा। वैसे 4-5 वीक लग रहा है भाई PPS बनने में, जो PPS जब तक नहीं आपका बनेगा भाई आपका काम धंधा नहीं लगेगा, यहाँ पे ना काम नहीं लगेगा, जॉब नहीं लगेगा। जो मेन चीज अकोमोडेशन फेस करते हैं जो भी स्टूडेंट आ रहे हो, तो बेस्ट है कि भाई ट्राई करेंगे अपना शेयरिंग में ही अकोमोडेशन ले लो। आपके जो कॉलेज में आएंगे ना, लगा लगा आप इंडिया से आ रहे हो, एक दो हफ्ता कहीं पर रहना पड़ गया, तो कॉलेज में जाके आपके फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जैसे आपने रूम शेयर करना है तो वो बेस्ट होता है। उसके बाद अपना भाई जब आपके जॉब लग जाए तो आपके पास पैसे शुरू हो जाएंगे, उन्हें यूरो इकट्ठे करने हो जाएंगे शुरू, तो फिर आप अपना बेड रूम वगैरह सेपरेट ले सकते हो। समझ रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, तो व्लॉग क्या भाई ना, ये आप काइंड ऑफ एक इन्फॉर्मेशन थी जो भाई मैंने थोड़ा थोड़ा करके पता करा है, एज ए स्टूडेंट जब भाई आए हुए यहाँ पे ना, तो उनको सारा जैसे एक प्रैक्टिकली वो फेस कर रहे हैं जो। तो अगर आपका कोई कमेंट जैसे आपको लगता है आपका ये क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक के साथ, टिल देन टेक केयर। अब सबको हैप्पी होली, और भाई ला भाई मुंह मा धोले अपने नहले जागा था भाई ना, कई दिन हो गए, मैं तो ना वाइज ना पड़ेगा, ठंड लगा भाई यहां, कहां ना आए जावा।